आज ही नहीं अब तो कई दिनों से विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञापन देने के बाद प्रशासन को सचेत किया था कि गढ़वाओं के अंदर विधर्मी नहीं आएंगे। कल भी पुष्प वाटिका कुंज वाटिका में विधर्मी मिलते हैं, बड़ी न्यूज वायरल होती है, उनको भगाने का काम विश्व हिंदू परिषद करता है। आज हमारे साथ दुर्गा वाहिनी की बहनें एक एक गढ़वा के अंदर जाने का काम कर रही है। इसी बीच सामने जो होटल है इसका ओनर हमसे कहता है कि क्या मलेच्छ जो विधर्मी है वो हिंदू वो आदमी नहीं है, क्या वो इंसान नहीं है? मैं इसको बताना चाहता हूँ, अगर ये आदमी है, भाईचारा निभाना जानते हैं, तो श्रद्धा 35 टुकड़े नहीं होते। इन कुत्तों की वजह से हमारी बहनों की जो इज्जत लूटी जाती है, बहने झांसी से कई बहने जो भागी है, कैसे भाईचारा निभाते हैं ये लोग हमको पता है। कोई भी गरबा में विधर्मी मिलता हम तोड़ने का काम करेंगे हिंदू समाज के साथ। ये होटल कल के बाद अगर ये संचालित मिलता प्रशासन को खुली चुनौती है, कल अगर ये चालू हालत में मिला तो बजरंग दल इसको तोड़ने का काम तहस नहस करने का काम करेगा, जिसके अंदर दम है रोक ले। आज दिनांक 5/10/2024 के थाना क्षेत्र नवाबाद स्थित मोलेकुल माल में डांडिया का प्रोग्राम हो रहा था। इसमें कुछ लोग वहां पे हंगामा करने के लिए पहुंचे थे और वहां पे परमिशन आदि चेक करने के लिए वहां पहुंचे थे। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पे जो लोग भी हंगामा करने का प्रयास कर रहे थे उनको हिरासत में लिया गया और जो वहां पे सुरक्षा गार्ड है उनकी तहरीर पर FIR पंजीकृत करते हुए उनके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोगों के उसमें वाहन भी है, कुल 31 लोगों को हिरासत में लिया गया। ये अभी जो वहाँ पे जो लोग थे प्रत्यक्षदर्शी उनके द्वारा ये बताया जा रहा था कि कुछ लोग उसमें लाठी डंडा भी हाथ में लिए थे और वहाँ पे अभी हम लोग वीडियो फुटेज आदि उसका निकलवाएंगे। ये सारा जो साक्ष्य है उसको हम लोग इकट्ठा करेंगे। ये वहाँ पे चेक करने गए थे कि इनकी परमिशन है कि नहीं, ये कैसे यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, जो इनके द्वारा ये कार्यक्रम मतलब ऐसा कुछ करना अवैधानिक है, इनको ऐसा कोई अधिकार नहीं प्राप्त है कि कोई ऐसा कार्यक्रम हो रहा हो यहाँ पे जाकर के चेक करने लगे और वहाँ जाके हंगामा करें। जब ऐसी सूचना मिली थी तत्काल इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। ये अभी संगठन आदि के बारे में हम लोग पता कर रहे हैं कि किस संगठन के लोग हैं और क्यों गए थे। बाकी जो प्रथम दृष्टया चीजें निकल के आई थी वो हमने आपको बता दिया है। बाकी और जो विवेचना के दौरान गहराई से हम लोग छानबीन करते हुए उसके अनुसार साक्ष्यों के